तो गाइस देखो घुसपैठ है ये रहा जो हमारी दुकान के अंदर ये बैठा हुआ है। सो हे गाइस वेलकम बैक टू चैनल। तो आप देख रहे हो टेक्नो खान की एक और नई वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कार एयर प्योरीफायर। तो भाई कार एयर प्योरीफायर का मतलब ये जो आपकी गाड़ी के अंदर जो एयर है मतलब जो गंदी हवा जो बोलते हो आप जिस तरीके से उसको साफ करेगा। तो साफ किस तरीके से करेगा तो एक डिवाइस है, मैं आप लोगों को भी थोड़ी देर में सब दिखाने वाला हूँ, उसकी स्पेसिफिकेशन दिखाऊंगा, उसके अंदर है क्या क्या चीज़ें, उसके अंदर फिल्टर वगैरह भी लगता है गाइस, और आपको उसके साथ में वारंटी वगैरह सब मिलने वाली है। तो फटाफट से इस वीडियो को करते हैं यहीं से स्टार्ट। सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो खान चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले व्लॉग देखने के लिए। सो गाइस ये है मेरे पास में एक इलोफिक कंपनी का एक एयर प्योरीफायर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये बिल्कुल मेड इन इंडिया है गाइस, ये चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं है। और आप पैकेज देख सकते हो, कुछ पैकेज इसका कुछ इस तरीके से आप पीछे की तरफ देखोगे तो इसकी स्पेसिफिकेशन ले दे रखी है गाइस इसके अंदर कब है। और इसका जो MRP है वो इसका MRP है 6000 रुपये, लेकिन आपका भाई ने आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट दे रखा है। तो जाइए और बाई कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत ही कम रेट में आपको मिल जाएगा ये जो कार एयर प्योरीफायर है। और देख सकते हो नीचे भी मेड इन इंडिया दे रखा है गाइस, क्योंकि ये भाई इंडिया के अंदर बना हुआ प्रोडक्ट है और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो हो रही है इसकी हरियाणा के अंदर। आप जैसे इस साइड में देख पा रहे हो तो इस साइड में भी आपको एक इलोफिक का एक पिक्चर दिखती है और देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखिए गाइस इनके स्लोगन और यहाँ पे कुछ दिए गए हैं गाइस इसके कुछ फीचर्स, जो इसके अंदर फीचर्स है देख पा रहे हो 99.9% जो आपके जो डस्ट पार्टिकल हैं उसको साफ करेगा। और इसके अंदर बहुत गाइस आपको देखने को मिलेगी और लो नॉइस लेवल, यानी कि अगर इसके अंदर डस्ट कुछ ज़्यादा हो जाएगी तो आप लोगों को ये अलर्ट कर देगा कि इसका फिल्टर है साफ करने का टाइम आ गया। जिस तरीके से आपके घर के एसी के अंदर होती है उसके ऊपर डस्ट आके चिपक जाती है, इसी तरीके से गाइस इसके अंदर एक फिल्टर लगा हुआ है, उस फिल्टर को हम निकालेंगे और इसी तरीके से हम साफ कर देंगे। जिस तरीके से आप ये गाड़ी देख रहे हो तो गाड़ी के अंदर ये हम रख देंगे और क्या होगा इसके अंदर एक प्लग होता है, तो प्लग को हम क्या लगाएंगे जो सिगरेट वाला लाइटर का होता है उसके अंदर उसको करते हैं। तो आप लोगों को इसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ कि हमें इसकी जो क्वालिटी है किस तरीके से क्वालिटी हमें देखने को मिलती है। तो चलिए गाइस फटाफट इसको करते हैं अनबॉक्स। तो गाइस इसकी पीछे एक सील लगी हुई है जिसके ऊपर लिखा गया है डू नॉट एक्सेप्ट इफ़ सील इज़ ब्रोकन, मतलब अगर सील इसकी टूटी हुई है तो उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना करिएगा। तो इसीलिए मैं आपके सामने इसको अनबॉक्स करता हूँ। तो गाइस जैसे कि देख पा रहे हो खुल गई, फटाफट निकालते हैं बाहर। तो फर्स्ट लुक आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा गाइस। सबसे पहले हमें इसको मिलती है एक मैनुअल गाइड, तो देख पा रहे हो ये पूरा पर्चा सा दिया गया है इसके अंदर किस तरीके से इसको यूज़ करना है, इसके फिल्टर वगैरह क्या क्या है। ठीक है, इसके अंदर गाइस देख पा रहे हो 6 स्टेज फिल्टरेशन है, मतलब आपके जो 1 से लेकर 6 फिल्टर के अंदर आपकी जो हवा है वो फिल्टर होके आपके पास में जाएगी। ठीक है ना, और देखो ये गाइस इनके कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट हैं जो घर में भी यूज़ होने वाले होते हैं और ये हमारा कार के लिए है। इसी के साथ में गाइस ये हमारा एयर प्योरीफायर, तो गाइस देख पा रहे हो इसकी जो क्वालिटी है भाई बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। तो गाइस ये हमारे पास में इलोफिक का एक छोटा सा डिवाइस एयर प्योरीफायर, तो आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से, और जो इसकी जो क्वालिटी है गाइस क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। और आप देख पा रहे हो, खैर देख के आपको पता लग जाता है कि देखने पे किस तरीके से, आप पीछे देख पा रहे हो कुछ इसके डिटेल वगैरह दी गई है जो मैंने आप लोगों को बॉक्स पर दिखाई थी। और यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर एक लगेगा इसका पावर सप्लाई का, और इस इधर की तरफ दे रखा है गाइस इसका रीस्टार्ट का बटन और कुछ इस तरीके से। और इसको हम खोलते हैं, तो खोलने पर देखने को मिलता है गाइज़ आपको एक फ़िल्टर। तो गाइज़ ये इसका फ़िल्टर है, तो गाइज़ देख पा रहे हो ये इसका फ़िल्टर है, तो फ़िल्टर देख पा रहे हो गाइज़ फ़िल्टर की जो क्वालिटी है भाई बहुत अच्छी क्वालिटी पे बनाई गई है इसके अंदर। और ये देख पा रहे हो गाइज़ ऊपर ये है फोम वाला और नीचे दिया गया इसका देख पा रहे हो ये रहा। और इसके अंदर भी देख दे रखो कुछ फ़ैन दे रखें ताकि आपकी जो एयर है अच्छे से प्योर होके आप तक पहुँचे। तो यहाँ से इसकी एयर आउटपुट होगी और यहाँ से इसकी इन होगी। तो ये है आपका कार एयर प्योरीफायर। तो अपना एयर प्योरीफायर का बॉक्स यहाँ पर लगा है और हमारे शुएब भाई हैं वो निकाल रहे हैं हमारी गाड़ी। शुएब भाई जल्दी लेकर आओ गाड़ी, पब्लिक देख रही है। तो अपने शुएब भाई ने एयर प्योरीफायर ले लिया, तो शुएब भाई बताओ कैसे लगेगा? तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो नीचे एक सिगरेट का एक लाइटर है जिसके अंदर लगाते हैं, तो इसके अंदर ये जो पिन होती है तो ये पिन हम लगा देंगे इसके अंदर। तो जैसे कि देख पा रहे हो भाई बहुत लंबी वायर है इसकी,
आप इसको अपनी गाड़ी में, ट्रक में, बस में, किसी में भी हम इसको भाई क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, लगा सकते हो। और जिससे देख लो गाइस, अब इसके अंदर जो फैन है वो फैन चलेगा। तो गाइस अपनी जो कार के जो सिगरेट सॉकेट है उसके अंदर एक तकनीकी प्रॉब्लम आ गई, तो देख रहे हो पूरा निकाल लेगा हमारे शुएब भाई ने। ये बंदा कुछ करके मानेगा भाई, कितनी देर में ठीक हो जाएगी? बस भाई 10 मिनट में पब्लिक बेताब है। ठीक है, तो गाइस इतने में आप लोगों को बता देता हूँ एक बार रास्ता कहाँ से। भाई ये गोकुलपुरी का जो मेन है गेट है, तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर एक मस्जिद है, तो मस्जिद के सामने एक कॉलेज है, तो कॉलेज से तो गाइस सामने आपको दिखेगा मेट्रो स्टेशन जो गोकुलपुरी के नाम से है। तो गेट नंबर 2 से आप जैसे बाहर निकलोगे तो यहाँ पर एक मार्केट है, तो मार्केट के साइड में मस्जिद है, आप लोगों को दिख जाएगा। और उससे पहले एक पड़ेगा फुट ओवर ब्रिज, तो आपने फुट ओवर ब्रिज पर नहीं चढ़ना, उससे पहले एक मार्केट आएगी, मार्केट के अंदर आपने घुस जाना है। एक सामने पुल है, पुल पर भी नहीं चढ़ना। ये जो आप फ्लाई ओवर आ रहे हो, आगे से अगर उतरोगे तो आपको एक आगे भी एक गेट दिखेगा, तो आप वहाँ से अंदर की तरफ लेफ्ट की तरफ जाते हुए आपको दिख जाएगी एक यहाँ पे मार्केट। तो गाइस ये है, और साइड में देख पा रहे हो सर्वोदय विद्यालय, सर्वोदय विद्यालय ये स्कूल के साइड में ही अपना जो स्टोर है। और देख लो गाइस अपनी जो गाड़ी है, तो गाड़ी अपनी खड़ी हुई है वो सामने, ये अलॉय व्हील्स वाले हैं, अलॉय व्हील्स वाले के सामने ही अपना स्टोर है। तो गाइस देखो घुसपैठे एरा जो हमारी दुकान के अंदर बैठा हुआ है, देख लो इसको बंदे को। तो गाइस एक फ्यूज ने हमारा पूरा दिमाग खराब करके रख रखा था, शुएब भाई का रिएक्शन ही कुछ अलग था जब हमने इसके अंदर ये लगाया, उसके अंदर फिर ये जो लाइट आती है चार्जर के अंदर, भाई मजा आ गया। शुएब भाई चल ये वाली चिल्ला के दिखा दो, मजा आ गया भाई बेटे। सो भाई सॉकेट लग चुका है, तो अब देखो ये टच स्क्रीन है, ये देखो आप जैसे कि देख पा रहे हो गाइस ये चल चुका है, और साइड में से यहाँ से हवा भी आ रही है। तो आप लोगों को इसके ऊपर अब फिल्टर लगा के दिखाता हूँ। तो गाइस ये है इसका फिल्टर, तो ये देख पा रहे हो ये कुछ इस तरीके से रख दो, तो ये यहाँ पर आके लॉक हो जाता है। जो इसके ऊपर का कवर है, तो कवर भी आप इसको इस तरीके से बंद करके रख दीजिए। सो गाइस कवर लगने के बाद में ये कुछ इस तरीके से नज़र आता है, और आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो ये भी टच है, ये यहाँ से ऑफ हो जाएगा, आप लोगों को आवाज़ आएगी इसकी ऑन होने की। ये देख पा रहे हो यहाँ से इसकी फ़ैन की स्पीड है, ये देखो इसकी स्पीड इस वक्त कम है, और ये इस तरीके से, और ये देखो गाइस इसके अंदर 3 स्पीड है। इसको आप कहीं पर भी रख सकते हो, चाहे तो आप इसको सामने की तरफ रख दो, तो गाइस देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है ये जब आप उसको आगे की तरफ रखते हो। और जिस जो इसके अंदर जो फिल्टर है गाइस, फिल्टर क्या काम करेगा, आपकी जो गंदी हवा है, यानी कि जो डस्ट वाले जो एयर है, वो जाएगी अपने इधर से यहाँ से होते हुए बाहर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो अपनी कार के अंदर भी गाइस ऑप्शन होता है, तो ये होता है अंदर की हवा अंदर के लिए, मतलब आपकी जो अंदर की हवा है अंदर घूमती रहेगी और ये फिल्टर करता रहेगा, और ये आती है बाहर से, तो बाहर से आने वाले जो आगे वेंट लगे रहते हैं उसके अंदर से होते हुए आपकी गाड़ी के अंदर आती है। अगर आपकी गाड़ी के अंदर होगा ये, तो जितनी भी आपके डस्ट पार्टिकल होंगे, मतलब बुरे, तो बैड एयर को गाइस ये साफ़ कर देगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये नॉर्मल स्पीड में, ये देखो ये उसकी हाई स्पीड हो गई, ये इधर पे ऑटोमेटिकली क्या इसको पता चल जाता है कि अपनी गाड़ी के अंदर कितनी डस्ट है कितनी नहीं है, ये उसी हिसाब से ये वर्क करता है। तो जैसे कि आप इसको छोड़ दोगे, इसकी जो लाइट है वो थोड़ी डिम हो जाएगी, ताकि आपको ड्राइव करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए। और बाकी कुछ इस तरीके से, शुएब भाई कुछ हवा का फ़र्क पता चल रहा है? बिल्कुल जी बिल्कुल भाई, देखो अभी हमने इसको टेस्ट करा है, थोड़ी सी देर में हमें पता चलने लग गया है कि हमारी गाड़ी की जो अंदर की स्मेल है वो थोड़ी चेंज हुई है। तो हम इसके अंदर एक परफ्यूम वगैरह लगाएंगे, तो गाइस परफ्यूम भी देखना गाइस, एकदम स्मूथ जो एयर होती है वो आपको मिलेगी, और जो खुशबू होगी गाड़ी की वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली। तो इलेफिक जो कंपनी है गाइस, ये काफ़ी सालों से बनाती है कार के एयर फिल्टर, तो लगभग 60 या 50 साल से ये कार के एयर फिल्टर ये बना रही है। शुएब भाई क्या कहना? बिल्कुल जी बहुत अच्छा लग रहा है बैठ के, बहुत अच्छा लग रहा है। और गाइस जैसे कि आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये पूरा जो प्रोडक्ट है गाइस, बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी बनाई हुई है। और देखो ये राही इसका जो मॉडल नंबर है, और यहाँ से इसको ऑफ कर दो बात। सो गाइस कमेंट करके बताओ आपको ये जो प्रोडक्ट है कैसा लगा कैसा नहीं लगा। तो अगर आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, या कोई ऐसी जगह भी होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह होती है, और आपको अपनी गाड़ी के जो शीशे हैं वो कभी कभार खोलने भी पड़ जाते हैं, तो होता क्या है जो बैड एयर जो होती है आपकी गाड़ी के अंदर आ जाती है, और जो आपके बच्चे या बुज़ुर्ग होते हैं तो उनको भी उससे परेशानी होती है। सो गाइस हर कोई जानता है आज के टाइम में जो प्योर हवा है, तो प्योर एयर किसी को नहीं मिलती भाई, सब खा लेते हैं वही गंदी संदी हवा। तो अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर इसको लगाओगे तो शायद आपको एक अच्छी जो एयर है वो मिल जाए। सो गाइस बस यही था आज की इस वीडियो में, होप करता हूँ गाइस वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल देन बाय गाइस बाय।